महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आप जो प्यार सपोर्ट हमें प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा भोलेनाथ आपको हमेशा खुश रखें, हमेशा आनंद में रखें। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मंगलवार के दिन आप ये एक चीज़ अपने पास रख लें, बहुत सारे काम आपके बन सकते हैं, बहुत बड़ी परेशानियों से बाहर आ सकते हैं। और ये उपाय सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य ही करना है, और इस उपाय को बहुत गंभीरता से हमें करना है, बहुत बारीकी से, इसकी क्या सावधानी है, इसे कैसे करना है और इससे हमें कैसे फ़ायदा मिलेगा, इस पूरे विषय पर आज इस वीडियो में चर्चा होगी। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर एक राशि के लिए यही उपाय है दोस्तों, तो आपकी राशि के लिए भी आज ये उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस उपाय पर हम बात करें और चीज़ों को लेकर आगे बढ़ें, उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा इसी तरह के ज्योतिष रिलेटेड सकारात्मक वीडियो हमेशा मिलते रहें, जिससे आपके जीवन में हमेशा खुशहाली आती रहे। दूसरी बात है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कमेंट्स में आप भोलेनाथ का नाम ज़रूर लिखें, ओम नमः शिवाय लिखें, जय शिव शंभू लिखें, हर हर महादेव लिखें, जय श्री महाकाल लिखें, मतलब भगवान का कोई सा भी नाम आपको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के जाएं। इस वीडियो को आप पूरा देखें, अंत तक देखें, लेकिन उससे पहले ये नाम ज़रूर लिखें। चौथी बात है कि अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस मुझसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं, उसका शुल्क लागू है। अब हम आते हैं मुद्दे पर। सबसे पहले करना ये है कि आप अपने जो भी घर के आसपास में हनुमान मंदिर हो, वह मंदिर में जाकर राम लिखें, सीताराम लिख लें, जय श्री राम लिख लें, जय जय श्री राम लिख लें, राम का नाम लिख लें, पेन से लिख लें, आप जैसा भी चाहें आप कागज़ पर लिख लें और भगवान हनुमान जी को अर्पित कर दें, चरणों में अर्पित कर दें। अर्पित करने के बाद उस कागज़ को लें और अपने पर्स में रखना शुरू कर दें। वो जो राम का नाम लिखा हुआ है वो आप अपने पर्स में रखना शुरू कर दें, कंटिन्यू रखना शुरू कर दें। महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष सभी लोग इसे कर सकते हैं। और दूसरा बात है कि इस इसको करने में याद रहे कि पर्स बहुत बार चमड़े का होता है, तो चमड़े से बचे दोस्तों, अपने जो भी कपड़े के पर्स होता है उसमें रखना ज़्यादा प्रेफरेंस करें। इसे कंटिन्यू आप करते रहें, मतलब हर मंगलवार इस तरह से अपने पास कागज़ बदलते रहें, आप कागज़ में राम नाम लिख लें, भगवान बोल हनुमान जी को अर्पित कर लें, उस कागज़ को लेकर अपने पर्स में रखना शुरू कर दें। अब इसको सावधानी तौर पर ये रखना है, इसे 7 दिन में बदल लें, कोशिश करें कि चमड़े के इसमें ना रखें, और साथ में राम नाम का जाप भी आप करते रहें, श्री राम जय राम जय जय राम, या जो भी आप भगवान का नाम ओम नमः शिवाय गुरु मंत्र इष्ट मंत्र का जाप करते रहें। ये बहुत ज़्यादा चमत्कारी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और बहुत ज़्यादा कई सारे जातकों को इसमें पॉजिटिव फ़ायदा मिला है, और आपको भी ज़रूर मिलेगा। तो लिखिए ओम नमः।